हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूरब। आज की टॉपिक हम बात करेंगे कि लेबर कार्ड कैसे बनाएंगे। देखिए, लेबर कार्ड बनाने के लिए आप लोग खुद ही अपने मोबाइल या पीसी पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर जाना नहीं पड़ेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल या पीसी पर खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जितने भी लेबर होते हैं सारे मजदूर के लिस्ट में होते हैं। उनके लिए कई तरह के अलग अलग योजना गवर्नमेंट चलाते रहते हैं। उन योजना को तभी ले सकते हैं जब आपके पास एक लेबर कार्ड होगा, जैसे कि ये प्रूफ होता है कि वो लोग रियल में लेबर ही हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, मिस्त्री अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें दोनों वेबसाइट के बारे में बताऊंगा मैं, एक निर्माण श्रमिक ओडिशा और दूसरा अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर सोशल बोर्ड। निर्माण श्रमिक के अंडर जैसे कि ब्रिज काम करना, कंस्ट्रक्शन काम करना, वो निर्माण श्रमिक के अंडर में जाते हैं। अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर सोशल बोर्ड जो कि मैन्युफैक्चर, दुकान और संस्था किसी अनऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो लोग अनऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करिए, ओपन करके यहाँ पे देखिए OUWSSBLabor.odisha.gov, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर हेयर, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे फुल नेम और इसमें मोबाइल नंबर, इसमें आधार नंबर फिलअप करेंगे, इसमें ऑक्यूपेशन फिलअप करेंगे, आप किस टाइप काम कर रहे हैं उसी टाइप इसमें सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे लिस्ट है इसमें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्कर पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसमें ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे GP सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे विलेज सिलेक्ट करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP आएगा, फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर लॉगिन, इसमें क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम आएगा और इसमें फादर नेम एंटर करेंगे, जेंडर पर सिलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल पर सिलेक्ट करिए, फीमेल है तो फीमेल पे। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो है इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड हो चुका है। इसमें फ्रंट साइड आधार कॉपी अपलोड करना है, अपलोड पर क्लिक करेंगे और फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड बैक साइड पे अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इसमें देखिए उसके बाद सिग्नेचर या थम्स इसमें अपलोड करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, अपने फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। इसमें देखिए एड्रेस डिटेल्स प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, GP विलेज, इसमें हाउस नंबर है तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, नहीं तो इसमें छोड़ दीजिए। यहाँ पे पोलिस स्टेशन आधार के बेस से ही होगा। टपिस, इसमें पिन कोड, देखिए इसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसमें राइट टिक देंगे, नहीं तो इसमें फिलअप करेंगे। तो सेम है हमारा तो यहाँ पर राइट टिक दे दिया हूँ। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, इसमें देखिए अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे और इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एजुकेशनल इसमें फिलअप करेंगे। इसमें अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसमें देखिए इनकम पर डे आप कितना कमाते हैं, इसमें वेज पीरियड डेली या मंथली वीकली, तो डेली पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंस के नेम डिटेल्स इसमें फिल करेंगे, आपके ऊपर कितने मेंबर्स डिपेंड है इसमें फिलअप करेंगे, अपने बच्चे या स्पाउस नेम इसमें फिलअप कर सकते हैं, तो इसमें डिपेंडेंस फिलअप कर देंगे। उसके बाद इसमें जेंडर फिलअप करेंगे, उसके बाद इसमें एज फिलअप करेंगे, इसमें रिलेशनशिप्स फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लास इन विच क्लास स्टोरिंग इसमें फिलअप कर सकते हैं, और मेंबर्स ऐड करना है तो इस प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आ चुका है, इसमें जेंडर सिलेक्ट करेंगे और इसमें एच फिलअप करेंगे, बाद इसमें रिलेशनशिप फिलअप करेंगे और इसमें नो टाइप कर देंगे। उसके बाद आधार लिंक बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट कौन सा टाइप है, जनधन है या जनरल, तो सेविंग है, सेविंग पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, उसके बाद बैंक नेम इसमें फिलअप करेंगे,
इसमें बैंक एड्रेस फिलअप करेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड इसमें फिल करेंगे, उसके बाद पासबुक लोड करेंगे, इसमें अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और फाइल सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इसमें अदर डिटेल्स इसमें फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पे अदर्स है, इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके नाम या अपनी पत्नी के नाम में कोई पीएम आवास योजना घर है इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसमें छोड़ देंगे। आपके पास कोई कल्टीवेशन लैंड है तो पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप एक माइग्रेंट वर्कर है तो यस करेंगे और कहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे फिल करेंगे और इसमें अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। माइग्रेंट वर्कर है तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें नो करेंगे। आपके पास राशन कार्ड है तो इसमें यस करेंगे और इसमें राशन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे वेदर डिफरेंटली एवडल, इसमें आपका शारीरिक अक्षमता है तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसमें नो करेंगे। ईएसआई मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें नो रखेंगे। पीपीएफ आपका है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसमें देखिए वेदर रजिस्टर अंडर ओबी एंड ओसी डब्ल्यूडब्ल्यूबी, इसका अंडर में आप है तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एनी अदर वेलफेयर बोर्ड है तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉमिनी फिलअप करेंगे, नॉमिनी नेम इसमें फिलअप करेंगे, इसमें नॉमिनी रिलेशनशिप सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनी लीगल हेयर इसमें प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, इसमें नेम फिलअप करेंगे नॉमिनी का, जेंडर फिलअप करेंगे और आधार लिंकेज मोबाइल नंबर इसमें फिल करेंगे। उसके बाद आधार नंबर इसमें फिलअप करेंगे, इसमें रिलेशनशिप सिलेक्ट करेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का फिलअप करेंगे। उसके बाद शेयर, कितना परसेंट आप नॉमिनी से शेयर करना चाहते हैं, 50% या 100%, इसमें 100 फिलअप करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अदर डिटेल्स एड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे, इसमें राइट टिक देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो एक बार चेक करेंगे सब कुछ सही है या नहीं, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी टाटस में पेंडिंग आ रहा है। अगर आप जल्द ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, लेबर ऑफिस जाना होगा, वहाँ से अप्रूव कराने से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्रूव हो चुका है, अप्रूव होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लेबर कार्ड ऑलरेडी हो चुका है, प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कुछ मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।